दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दो बच्चे गायब हुए हैं डबुआ कॉलोनी से, और एक माँ तो बहुत परेशान है और दूसरी माँ जो है बिल्कुल अपने घर में है। हालांकि इसी माँ ने मुकदमा दर्ज करवाया है और हम फोटो मांग रहे हैं, भाई अपने बच्चे की फ़ोटो दे दो, देखते हैं फ़ोटो मिलती है कि नहीं। और एक इनका बच्चा, ये गरीब माँ है, परेशान है, और ये उनका पिता है, ये भी परेशान है, दोनों ढूंढ ढूंढ के परेशान है अपने बच्चे को। लेकिन ये जो माँ है, ये फोटो दिखाइए, आपका भाई है ना, गायब हुआ है, लाओ फोटो ले आओ। यानी आप नहीं चाहते आपका बच्चा मिले, आप नहीं चाहते, आप हैं कोई मोबाइल में तो हो, आओ आप सामने तो बताओ नाम वाम तो बताओ। आप बहन हो ना, बहन है, इसकी माँ कहाँ है, इसकी माँ भी है ना। देखिए ये बहन है, कह रही है हमने तो दे दिया, हमें क्या मतलब है, ये क्या है। अगर आपका बच्चा, आपका भाई गायब है तो मीडिया में उसकी फ़ोटो दिखाइए, कम से कम वो बच्चा जल्दी मिल जाए। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग आते हैं कि भाई पूछने आते हैं कि ढूंढो बताओ कुछ, तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं कि यहाँ से जाओ। मतलब ये क्या बात हो गई, डबुआ कॉलोनी का मैटर है, अभी देखते हैं फ़ोटो वगैरह देते हैं कि नहीं, क्योंकि इनको डाउट है अगर ये लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इन्होंने ही गायब कराया है, और अभी पूरा खुलासा होगा। एड्रेस बता देते हैं, एड्रेस है बी ब्लॉक है, मकान नंबर कुछ और होगा, बी ब्लॉक डबुआ कॉलोनी अपोजिट 235 मकान नंबर है जी, 266 नंबर होगा, डबुआ कॉलोनी बी 266। ठीक है भैया जाओ, तो देख रहे हैं, पूछते हैं कि ये कुछ बताते हैं कि नहीं, और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे की कॉपी दो भाई, मुकदमे की कॉपी दो। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब इन्होंने ही गायब किया है, अगर ये लोग नहीं बताएंगे तो इन्होंने गायब किया है। ये गाजीपुर रहते हैं, बताओ। हाँ हाँ, परेशान है, 5 दिन तो मेरे पास पहुँचे हैं ये लोग। इसका लड़का पीछे पीछे गया, तो मुकदमे की कॉपी दो भैया, मुकदमे की कॉपी दो। डबुआ कॉलोनी का मैटर है दोस्तों, दो बच्चे गायब हैं, बालक हैं, और एक माँ बहुत परेशान है, रो रही है, और दूसरी माँ देखते हैं फोटो वगैरह देती है कि नहीं, और ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, अब ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस को भी थोड़ा गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई, क्योंकि गरीब बच्चा है, गरीब का बच्चा है। अगर फोटो देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर डाउट, इनका जो डाउट है वो पक्का हो जाएगा। लाइए FIR की कॉपी तो दीजिए, फोटो लाइए, नाम तो बता दो बच्चे का जो गायब हुआ है। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, डरो मत, आपका भाई गायब है, क्या नाम है उसका? रोहित पटेल। कितनी उम्र है? 12 साल। आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है उसके गायब होने से? क्यों, होगा नहीं, आप ढूंढ रहे हैं? ढूंढ नहीं रहे हैं। आपने ही मुकदमा दर्ज करवाया सपना ने? हाँ जी। तो मीडिया को कोऑपरेट करने में क्या दिक्कत हो रही? कोऑपरेट तो हम पे नहीं है, फोटो तो हम क्या करें? फोटो नहीं है तो आप नाम पता एड्रेस बता दो, कुछ तो बताओ, बता दो। कितने दिन से गायब है बच्चा? 25 तारीख से बच्चा गायब है, रोहित पटेल इनके भाई का नाम है, इनकी मां ने मुकदमा दर्ज करवाया है। और फोटो वगैरह कह रहे हैं हमारे पास नहीं, फोटो तो रखो एक। सपना जी हैं, आइए आप आ जाए, आ जाए। सपना जी कहाँ गई, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है? चलो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? क्रांति। क्रांति, कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल की उम्र है, कब से गायब है? 26 तारीख से, 26 से, जो भी है 25-26। इसमें लड़ने की क्या बात है, डेट इधर उधर हो गए। अच्छा, आप जो डाउट हो बताओ, आपको लगता है इनका बेटा आपके भाई को ले गया? मैं उस दिन सर जी छुट्टी पे थी, इनका लड़का मेरे घर पे आया था, इनका लड़का ले गया था हमारे घर से उसको बुला के। अच्छा, बोला तो आपको तो कोऑपरेट करना चाहिए, आपको तो हमें बताना चाहिए, आपको क्या डाउट है, आप तो छुप रहे हो अंदर।
छुपा नहीं रहा, फोटो नहीं है ना हमारे पास, उसको फोटो दे के आई मैं कहीं और। मोबाइल में तो खींच लेते फोटो, इसमें खींचेंगे? और माँ बाप तो होंगे? फोन नहीं है, माँ बाप एक ही फोन है। तो देख रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, अच्छा तार उठवा दें, तार भी दिखा दो भाई कैमरा में। ये तार दिखा दो। हाँ तार दिखा दो, तार नीचे है ना, दिक्कत हो रही है। हाँ जी आ जाइए, और आ जाइए, और सूचना लेनी है। कितनी उसकी हाइट है क्रांति की? हाइट कम से कम इतना है। अच्छा हाँ, हाइट इतनी है। हाँ जी। पिताजी का क्या नाम है? वाल्मीकि, वाल्मीकि सिंह। अच्छा जी, आप बता रही हैं नौकरी आती हूँ तो लड़ने आती। बताना चाहिए भाई, बताना चाहिए। अब तक तो सारे लोग जो है, अब तक तो सारे लोग मिलकर ढूंढ देते उसको, लेकिन बताया ही नहीं। दोस्तों फोटो भी दिखाते हैं क्रांति की। यहाँ खाली करके मैं गाजीपुर गए। आप दोनों यहीं रहते थे? जी यहीं रहते थे ऊपर में। आपका बेटा और ये दोस्त थे? हाँ ये दोस्त, मतलब ये पीछे पीछे टोलते थे हमारे बच्चे। ये तो कह रही हैं आपका बेटा ले गया। सुनिए तो है? हमारे बच्चे सब्जी बेचते थे, इनको गली वाले सबको पता है, यहाँ पे रेडी लगाते थे, सब्जी बेचते थे। इनका बेटा रात दिन घर, इसका भाई रात दिन मंडी में रहते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, और हम ये हमारे बच्चे के पीछे पीछे जो आरोप आप जानते हो वही लगाओ। हाँ हाँ वही, बस उतनी हम जानते हैं। हर बच्चे से साथ आपको पूछवाएंगे मंडी में। हाँ औरत वाली, आपका बच्चा कहाँ गया कुछ है पता है? कुछ नहीं, हमें कोई पूछ, हमें डाउट है बस इसी पे। क्या डाउट है? ये डाउट है कि हम ढूंढ रहे हैं, ये नहीं ढूंढ रहे हैं। हम परेशान हैं, 26 तारीख से आते हैं तो हमारे पास ये मार मार पे दौड़ते हैं, कहते हैं थाना जाते हैं, थाना में रिपोर्ट करते हैं कि मेरे मारने के लिए आया। एक बार नहीं आया हूं, और जब थाने में कहा है कि जा करके कि मेरे मारने के लिए आता है, मेरे कपड़े उपड़े चीर दिए, ऐसे झूठ बोलते हैं। जा जा करके थाने में, थाने वाले उस दिन गए थे, थाने वाले यही बता रहे थे उसको मारने के लिए क्यों जाते हो। अच्छा अच्छा। हाँ जी यही सब है, और कुछ नहीं है भैया, मैं इतना परेशान है। नहीं करता वो क्रांति? सातवीं तक पढ़े हैं, छोड़ दिए थे लॉकडाउन से, फिर नहीं पढ़ने चाहे। अच्छा सातवीं तक पढ़ा है बस? जी हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं हुआ है? आपके पति कहाँ गए फोटो वगैरह? कहाँ गए कागज लेने के लिए, फोटो लेने के लिए? फोटो तो लेके आते हैं यहाँ पे, मैं भूल गया भैया क्या करूँ, हमारे दिमाग बस गया, क्या करूँ कहीं नहीं चल रहा। आप भी भैया फोटो वगैरह मंगा लो, काम हो जाएगा, आपका बच्चा मिल जाएगा। ये फोटो है क्रांति की, फोटो दिखाइए क्रांति की, फोटो है क्रांति की, फोटो है, आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से दिखाओ ये। इसको ध्यान से देखिए, क्रांति नाम है इसका, ध्यान से देखिए। इसको कहीं भी देखें तो आप लोग जरूर बताएं, हमारे नंबर पर भी बता दें 9953931171। इस नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं, जहां भी ये बच्चा दिखे क्रांति। बाकी अगर रोहित की फ़ोटो मिलती है तो वो भी दिखाएंगे, ताकि वो बच्चा भी मिले। दोनों बच्चे कहीं भी साथ दिखें तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि माँ बाप परेशान हैं और हम तो चाहते हैं बच्चा जल्दी मिल जाए। अगर फोटो होती तो, हाँ फोटो होती इसका भी दिखा दे, इसकी तो फोटो है मेरे पास। फोटो नहीं है, नहीं तो जल्दी मिल जाते। तो ये फोटो दिखाओ, बार बार दिखाओ, ये बच्चा कहीं भी हो तो मिले। क्रांति नाम है, करीब 14-15 साल बता रहे हैं, ये इनका बच्चा है। चलो कोई नहीं, आप तो करेंगे कोऑपरेट। हाँ वो दिखा दिए मैडम, अब तो ये दूसरी रिपोर्ट है ना। कोई नहीं, दिखा देंगे, पहले ये तो दिखा दें, पहले बच्चे तो मिल जाएं। हाँ कहाँ गए आपके पति? गए भैया लेने के लिए गाजीपुर में, भूल गए, तुरंत आ जाएंगे गाजीपुर में थोड़ी। चलो कोई ना, कोई बात नहीं, हम बाद में दिखा दें। फोटो हमने दिखा दी है, और इनसे भी थोड़ा सा फोटो वगैरह लेंगे, ताकि इनका बच्चा भी, इनका भाई भी मिल जाए। हम तो चाहते हैं दोनों बच्चे मिल जाएं, कहीं कोई घटना दुर्घटना उनके साथ ना घटे, कोई वारदात ना घटे। इनका 15 साल का है और इनका 12 साल का है। तो उनको मिलना, आंटी आंटी जी, वो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आप बच्चे हैं, बालक हैं, वो मेन मुद्दा है, मिलना चाहिए।
आपका बच्चा गायब हो जाता तो आप भी परेशान होते। आधार कार्ड तो क्या उस बच्चे का नहीं पड़ा? आधार कार्ड अलग बात है, आप कह रहे हो बच्चे हैं, बालक हैं, जवान है, आपका अपना दुख होता, बच्चा गायब होता दूसरा दुख होता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फोटो हमने फिर से दिखा दी, ये फोटो फिर से दिखाएंगे, ये बच्चा इनका मिलना चाहिए। फोटो दिखाइए, ये बच्चा मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। माँ परेशान है 15-20 दिन से, ढूंढते ढूंढते परेशान है, और पुलिस को भी चाहिए इस मामले में जल्दी से जल्दी इन बच्चे को ढूंढे और इनके हवाले करें। ये सारे परेशान हैं, गरीब हैं, तो क्या हुआ, क्या इनका बच्चा इनको जल्दी से जल्दी नहीं मिलना चाहिए? अगर पुलिस कोशिश करे तो एक दिन में बच्चा मिल जाए, लेकिन पुलिस वो कोशिश नहीं कर पाई अब तक, इसी वजह से इनका बच्चा इनसे दूर है। कम से कम 10 बार तो ये मेरे से मिल चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। अब ये लोग कह रहे थे यहाँ पे आते हैं तो ये कोऑपरेट नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमने सोचा चलो हम आकर इनसे पूछते हैं, फ़ोटो लेंगे, लेकिन इनके पास फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो होती तो हम दिखा देते। चलो दोस्तों, जो भी अपडेट होगी बताएंगे। डबुआ कॉलोनी बी ब्लॉक का मैटर है, और इस माँ को इसका बच्चा मिलना चाहिए। आप कहीं भी देखें तो इस बच्चे को ज़रूर देखें, तो या तो हमारे नंबर पर फ़ोन कर दें। आपको कोई नंबर याद है? चलो याद नहीं है, मेरे नंबर पर फ़ोन कर दीजिए, 9953931711। आप हमें भी बताएंगे तो हम इनको बता देंगे कि आपका बच्चा मिल गया है। कहीं भी देखें, डबुआ में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, कहीं भी देखें तो आप ज़रूर बता दें, क्योंकि ये बड़े परेशान हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।